पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर के चाकसू से एक खबर है, रोडवेज बस की टक्कर से पैदल चल रही बालिका की मौत हुई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस को आग लगाई है। पैदल यात्रा के साथ चल रही थी बालिका, दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची है। चाकसू नेशनल हाईवे 12 पर डाहरकट के पास की पूरी घटना है। शव को रोड पर रखकर जाम लगाया गया है। हाईवे पर लगा लंबा जाम, लोगों से की जा रही है समझाइश। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए किस तरीके से हाईवे पर शव को रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे जाम कर दिया गया है। तो वही जानकारी आपको दे दें कि रोडवेज बस की टक्कर से पैदल चल रही बालिका की मौत हुई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस को आग भी लगा दी है। बस को आग के हवाले गुस्साए लोगों ने कर दिया। तो वही पैदल यात्रा के साथ चल रही थी ये बालिका, दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची है। चाकसू नेशनल हाईवे 12 पर डाहरकट के पास की पूरी घटना है। शव को रोड पर रखकर जाम लगाया गया है। हाईवे पर लगा है लंबा जाम, लोगों से समझाइश भी की जा रही है। तस्वीर भी जरा आप देखिए, ये बस की तस्वीर है जिसको आग के हवाले किया गया है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी अभी, क्या अपडेट, क्या समझाइश का दौर यहाँ पर जो शुरू हुआ था किसी सक्सेसफुल नतीजे तक पहुंच पाया है? जी आयशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रोडवेज टक्कर से पैदल यात्रा में चल रही एक बालिका की मौत हो गई थी। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जो साथ चल रहे थे बस को आग लगा दी गई। इस दौरान मौके पर पुलिस व दमकल भी पहुंची और आग पर जो काबू पा लिया गया है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है और लोगों को समझाइश की जा रही है। जो परिजन शव रख कर हाईवे पर बैठे थे उनको जी, तो अभी समझाइश क्या किसी सफल नतीजे पर नहीं पहुंची है? जी, जहां तक माना जा रहा है कि परिजनों की तरफ से FIR लिख दी गई है और जो तहसीलदार या डॉक्टर तहसीलदार या मौके पर है और जो भी सरकारी सहायता दी जाती है नियमानुसार वो देने को लेकर यहाँ उनको समझाइश का दौर जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए।